थोड़ा ये फेरो, और देखो दुकान आ गई थी, इस पानी की कितना फर्क है जी। चले जी पूरा देखो, अगर सुनो ऊपर कुनिया और इधर देखो ना ये चीर गया ने पेन के पूरा इधर कश्मीर कॉलोनी की, जहाँ पे अरसा से हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं, डीसी साहब के पास हम गए, म्यूनसिपैलिटी में गए, हम ईओ साहब से मिले, उसके बाद हम चेयरमैन साहब से मिले कि हमारा ये पानी का यहाँ से निकास होना चाहिए। आज तक यहाँ पे मौके पर भी आए लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे मकानों को खतरा है, मकान हमारे गिर जाएंगे। पहले भी यहाँ से 2014 में यहाँ से स्लाइड हुई थी, यहाँ से पूरा ये नाला, यहाँ से ये मकान बहने लगे थे। ये यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से जो है यहाँ से बंद हो चुका है, बंद हो चुका है, हमने ऊपर से इसको गुदाई की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से ये पूरा जो प्लांट है ये बैठ, और नीचे से भी जो ये आप जमीन दे यहाँ पे कोई जानी नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हम डीसी साहब के पास भी गए थे सिलसिले में, डीसी साहब आप यहाँ पे मौके पे हाँ जी बताइए क्या पर? शेरे कश्मीर कॉलोनी है, शेरे कश्मीर कॉलोनी के नाम से ये वार्ड नंबर 2 का मोहल्ला है। यहाँ पे जनाब अरसा 5 साल से हमें ये पानी की प्रॉब्लम है। परेशानी ये है कि यहाँ से पीछे बहुत आबादी हो गई है, जिसकी वजह से ये हर तरफ से पानी जो है कुछ निकास बंद हो चुके हैं और पानी सारा इकट्ठा होकर हमारे इन 8-10 मकानों के आगे इकट्ठा होता है। यहाँ से पानी का कोई निकास नहीं है। हमने बहुत बार ज़िला इंतज़ामिया के पास गए, हम चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी के पास गए, ईओ साहब के पास गए, डीसी साहब के पास गए, एसीआर साहब के पास गए, और आज कल आज आएंगे, कल आएंगे, ये करेंगे, मौका भी देखा। यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब आए हैं सुनील शर्मा साहब, उन्होंने भी यहाँ पे मौका देखा है कि हम ये पानी का निकास आपकी परेशानी का इजाला करेंगे, लेकिन सर कुछ नहीं हुआ। जब भी बारिश होती है सर, ये निकास जो लोगों के नलों का पानी आता है, इनके बाथरूमों का पानी है, वो पानी भी इकट्ठा हो के जो यहाँ से नहीं निकलता है, और जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, और उससे जनाब हमारी दुकानों मकानों के अंदर गेटों से अंदर पानी जाता है, जितनी भी गंदगी है वो सब हमारे मकानों के अंदर जाती है। और हमारे ये मकान कुछ तो आप देख यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो प्लांट थे मकानों के वो बैठ चुके हैं, और उसके बाद जनाब ये बात है कि जितना भी पानी है ये सब हमारे मकानों के अंदर जाता है, और यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि किसी भी वक्त ये पूरी जगह ये रोड नीचे बैठ जाएगी और ये सब मकान जो बैठ जाएंगे, जिससे हमारा जानी माली नुकसान होने का खदशा है। जनाब गुजारिश है कि हमारी परेशानी का इजाला किया, गटर भी हैं, गटरों का पानी भी आता है, जब बारिश होती है जो लोग तो ऊपर रहते हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं है, जब बारिश होती है वो लोग गटर खोल देते हैं। हमने कई बार ये चीज़ भी जो है म्यूनसिपैलिटी के नोटिस में लाई कि यहाँ पे लोगों ने कुछ गटर बनाए हैं, जो छोटे छोटे गटर हैं जब बारिश होती है तो वो खोल देते हैं, और हम लोगों को जो है इधर बहुत परेशानी है। ये आपका नाम? मेरा नाम लिया के चले। ये है कि ये पानी जो है वो दुकानों के अंदर जाता है, और काफ़ी दफ़ा म्यूनसिपल्टी वालों को बताया, इधर रहमान साहब भी आए, किसी ने कुछ नहीं किया। बोलते हैं जी जीसीपी लाएंगे, फलान करेंगे, ढींग करेंगे। एक नाला आगे भी है, वो नाला भी बंद किया हुआ है, म्यूनसिपल्टी वाले कुछ नहीं करते, सिर्फ बाथरूम से फुलके बनाते हैं। तो सुखे मैं गए तो दुकाना मिल गया, ये काम पूरा बैठ गया, इसने प्लस भी हो देखो बैठा हुआ सामने, अंदर भी हो देखो सारा प्लस बैठ गया ना, असा इतनी परेशानी है कि पानी ना कोई किसी पास नहीं है, असा बचा दे किसी को कटे पानी, तो कितनी बार आए सारे आनियाँ देख गए, किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी इस गल की। 5 साल हो गए पानी नहीं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने, तो असा उम्र पूरी हो गई है, इतना 60 साल हो गए इतना ही रहने, वरना फिर भी सर इस 2 बार की तो कोई देखना ही नहीं, हम देख लें मुर्गे चले जाने वापस। एक नहर पानी के जरा ये नहीं कदम इतना ना नहर की कोई देखा ना बनावा ना कोई लेनी ना देनी, बाकी असाने ना कोई असाने को काम दाई छके जाने, असाने बस वोट ले असा को इस पास पूछने इसके अगर नहीं किए तो हम कर सकने ये साफ करना तो भी कोई ऐसा हो सकने बड़े काम असाने किए या बच्चा कोई मुलाजम किया या और कोई काम किया असाने कोई काम नहीं।